सब्सक्राइब टेक्निकल फ्रिक्स एंड प्रेस द बेल आइकन। और क्या फिल्म चल रहा सब बढ़िया? आज मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ में किसी सॉफ्टवेयर का अनलिमिटेड टाइम्स ट्रायल कैसे ले। जैसे छोटे मोटे एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका क्रैक मिल नहीं पाता हमें, उनका बार बार हम ट्रायल कैसे मतलब एक्सटेंड कर सके। मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे टेक्निकल फ्रिक्स यूट्यूब चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक देखिए। जितने भी बड़े बड़े पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं उनके क्रैक तो मिल जाते हैं, गूगल सर्च कर लो, कहीं भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उनमें मिल जाते हैं। बट जो छोटे मोटे कम पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं उनके मिलते नहीं, क्योंकि लोगों के नज़र में आता नहीं है, कोई क्रैक उसका बनाता नहीं है। बट ऐसे काफ़ी बार ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि बार बार उसका ट्रायल ले, बट कहीं मिल नहीं पाता। और हर चीज़ में पैसा खर्च करना हम इंडियन की आदत तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है प्रेडेटर, एक है ट्रांसमैक जो मैं यूज़ करता हूँ। ट्रांसमैक एक काम करता है कि जो एप्पल के पैकेजेस वगैरह होते हैं वो मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब जिप की तरह काम करता है। और जो प्रेडेटर सॉफ्टवेयर है उस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि कैसे अपने यूएसबी के साथ कंप्यूटर का लॉक अनलॉक करें। अगर आपने नहीं देखा तो कार्ड में दिया रहेगा लिंक, वहाँ जाके पहले देख लेना। आज मैं उसी सॉफ्टवेयर में बताऊंगा, वो इतना पॉपुलर है नहीं, उसका जो ट्रायल है 9 दिन का है, कैसे आप बार बार एक्सटेंड कर सकते हैं छोटे सॉफ्टवेयर का। तो जैसे आप देख सकते हो ये मैं जब ओपन करता हूँ प्रेडेटर तो बताता है इसका जो टाइम है, जो लाइसेंस टाइम है, लाइसेंस रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इसका जो ट्रायल पीरियड है वो मतलब एंड हो चुका है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, छोटे मोटे जितने भी हो। तो आप जैसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ इसको, कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल कर दिया कम्प्लीटली, सारे ओके ओके करके अनइंस्टॉल हो गया। फिर मैं इसे रीइंस्टॉल करता हूँ, रीइंस्टॉल करूँगा, फिर जब ओपन करूँगा देखोगे तो ये सेम चीज़ है कि दिखा रहा है कि हाँ, क्योंकि ये जो की बना लेता है, की बना लेता है, लोकल फाइल्स बना लेता है जिसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस मतलब सॉफ्टवेयर इस जो सिस्टम में हमारा ट्रायल चलेगा कि नहीं। तो अब की बार आपको देख सकते हो गया। आप दोबारा मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, अब की बार मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ फिर से, जैसे मैंने ट्रायल के लिए बताया था आपको, इतना करने की ज़रूरत नहीं, मैं दिखाने के लिए कर रहा था। अनइंस्टॉल के सारे सेटअप्स ओके ओके करके अनइंस्टॉल कर दिया। अब आपको करना क्या, रन का कमांड चलाना है। आप मतलब विंडो की को होल्ड करके आर दबा सकते रन, या सर्च कर सकते आर यू एन। रन का कमांड होगा तो यहाँ फील्ड आ जाएगा, यहाँ आपको आएगा आरी, यहाँ आपको डालना पड़ेगा REG एडिट, मतलब रजिस्ट्री एडिटर है ये। आप रजिस्ट्री एडिटर भी सर्च करते हो, जैसे मैंने डाल दिया REG एडिट, ये करोगे तो रजिस्ट्री ओपन होगा, परमिशन लेगा, आपको यस करना है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देना है, ओके कर देना है। यहाँ आपको बहुत सारे मतलब फोल्डर्स मिल सकते हैं, मतलब आप देख सकते हो रूट का मिल जाएगा, करेंट यूज़र का मिल जाएगा, लोकल मशीन ऐसे मिल जाएगा। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहले जानना है करेंट यूज़र्स पे, एच के करेंट यूज़र। एच के करेंट यूज़र पे जाओगे तो आपको स्क्रॉल करके सॉफ्टवेयर सिस्टम आएगा, सॉफ्टवेयर पे जाना है। अब यहाँ आपको ढूंढना है एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन जिस सॉफ्टवेयर को आप करना चाहते हैं। मेरे केस में प्रेडेटर है तो ढूंढूंगा प्रेडेटर का है। ये ऐसे केस में डेवलपर का भी नाम हो सकता है, जैसे फोटोशॉप हो तो एडोब भी हो सकता है, बट फोटोशॉप का नहीं होगा उसका, मतलब बहुत आसान है वो तो, और मिल जाएगा आपको गूगल में। जैसे डेवलपर का नाम या सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे मुझे मिलता जुलता मिल गया प्रेडेटर USP, इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ डिलीट। आप चाहते हो एक्सपोर्ट करके इन्हें बचा सकते हो ताकि कुछ एरर वेरर हो तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपोर्ट कर सकते हो चाहे तो। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, फिर मैं लोकल मशीन पे गया, लोकल मशीन पे जाके यहाँ भी आपको सिस्टम और सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इसके सॉफ्टवेयर पे जाना है। यहाँ भी आपको वही सेम नेम ढूंढ के उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देना है। ध्यान रखना कुछ आलतू फालतू इधर उधर का डिलीट ना करो, आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो जो आपको मतलब अनइंस्टॉल करना है वही आपको करना पड़े, मतलब वही देख के उसको डिलीट कर देना। जैसे मैंने दो रजिस्टर एडिटर से डिलीट कर दिए, अब मैं दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि रजिस्टर ही हटा दिया, दोबारा इंस्टॉल करा क्योंकि छोटे एप्लीकेशन तो ऐसे इंस्टॉल हो जाते हैं, आप पे सेटअप फाइल तो पड़ा ही रहेगा। दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, सारी चीज़ें टिक टिक करके ओके कर देता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ। रन करूँगा तो देखोगे फिर से चल गया, देख सकते हो साफ साफ 9 दिन का ट्रायल मिल रहा है, 9 डेज़ का, जो आपका ट्रायल पीरियड कुछ भी हो सकता है, 90 दिन, 30 दिन। ऐसे अगर कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आप मतलब करना चाहते हो और उसका क्रैक आपको कहीं मिलता नहीं, कुछ होता नहीं, तो आप ये तरीका कर सकते हो, आपको बार बार ट्रायल मिलता जाएगा, आप एक्सटेंड कर सकते हो। बस उसका एक सेटअप ऑफलाइन फाइल रख लो, उसे बार बार ऐसे 30 दिन का मिले तो 30 दिन बाद रजिस्टर एडिटर मिटा दो, फिर से इंस्टॉल करो, ऐसे काम चलता जाएगा। बस यही था वीडियो में, आपने देखा कैसे हम जो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर का ट्रायल एक्सटेंड कर सकते हैं, जो छोटे मोटे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर नहीं है उनका हम मतलब बार बार ट्रायल एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रायल पीरियड। जो बड़े सॉफ्टवेयर है गूगल सर्च करना सब मिल जाता मेरे भाई,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ये भी एक पीसी सीरीज की वीडियो है, मतलब मैंने बोला था ना पीसी के लिए वीडियो बनाऊंगा, अब कंटिन्यूस करते जाऊंगा, कोशिश करूंगा हफ्ते में एक वीडियो पीसी के लिए डालू ही डालू। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना हो या नए वीडियो का सजेशन देना तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो विंडोज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ी जाएगी। चैनल ने सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। बाय।